दोस्तों, आज मैं आपको एक विशेष बरसाती मौसम के अंदर आने वाली इस आयुर्वेद औषधि टाइप की एक सब्जी, जिसका हिंदी नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये इतनी पौष्टिक है कि लोग इसके लिए दूर दूर जंगलों में जाते हैं और वहाँ से लाकर ये बनाकर, इसकी सब्जी बनाकर खाते हैं। ये शरीर के अंदर डायबिटीज़, हार्ट, हर बीमारी में काम आती है। और अभी मैं आपको इस रेसिपी को बनाने की विधि बता रहा हूँ, इसको कैसे बनाया जाता है आज मैं बना के आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम इसको गैस पर रखते हैं और इसको पानी के अंदर डालकर उबालते हैं, और उबालने के बाद में इसमें क्या क्या मसाला डाला जाता है, क्या क्या मसाला डालते हैं, किस तरीके से ये इसको बनाते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे कि हमने उसको उबालने के लिए रख दिया है, अब अपन इसका मसाला तैयार करते हैं। मसाले में सबसे पहले अपन ने ले लिया ये लहसुन का पेस्ट, अब मिर्च का पाउडर अपन इसमें डालेंगे। इसके साथ में ये मिर्च का पाउडर अपनी स्वादानुसार इसको ले, ये मिर्च डाल दी। अब अपन डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, ये धनिया पाउडर भी डाल दिया। अब ये धनिया पाउडर आ गया। इसके बाद में हम थोड़ा हल्दी डालेंगे, ये हल्दी भी आ गई। हल्दी के बाद में अब अपन इसमें नमक, जो स्वादानुसार इसमें नमक का जो है वो डालेंगे, और नमक डाल दिया। अब अपन आगे जो भी करेंगे वो मैं आगे आपको बताता जाऊंगा किस तरीके से। इसमें दही का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि ये स्वादिष्ट लगे। अब ये जो दही का है वो भी मैं आपको आगे बताता रहूँगा। अब ये मसाला जो है इसके अंदर हम दही को डालेंगे ताकि ये मसाले के अंदर ही दही मिक्स हो जाएगा। ये अब इस मसाले में इस दही को मिक्स करेंगे और इसको जो है उबलने तक, वहाँ उबल रही है, उबलने के बाद में जैसे ही वो उबल जाएगी उसको साफ़ करेंगे, और साफ़ कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। और इसको जब ये बनाएंगे तो इसके लिए हमने सबसे पहले ये प्याज ये भी ले लिए हैं ताकि आप ये देख सकें। और इसके बाद में उसको जब भी हम पकाने के लिए जब तेल वगैरह का यूज करेंगे तब भी आपको बताएंगे। दही को इसके साथ में आप एक मसाले को और दही को एक तरीके से बिल्कुल पूरा मिला देते हैं, और मिलाने के बाद में जैसे ही वो उबल जाएगी तो उबलने के बाद में उसको साफ करेंगे। साफ करने के बाद में उसको काटेंगे, और काटने के बाद में तेल में उसकी फ्राई जब करेंगे वो भी आपको बताएंगे कि मसाला कैसे डाला जाता है, किस तरीके से इसको बनाया जाता है। कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं और वो पूछते हैं। वैसे इसका नाम हमारे आम जो भाषा में, जो यहाँ की बोलचाल की भाषा है, वहाँ की भाषा में इसको वासा डोडी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। और दोस्तों, अगर आप इसके बारे में कोई नाम, हिंदी नाम वगैरह जानते हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि इसको इस नाम से जानते हैं। वैसे ये है बारिश के मौसम में जंगलों में आती है और लोग इसको ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, और बहुत स्वादिष्ट होती है, पौष्टिक होती है, शरीर के कई रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये साल के 12 महीने में उपलब्ध नहीं रहती, ये सिर्फ बारिश के मौसम में ही अपने को देखने को मिलती है। और ये मैंने पेस्ट तैयार कर दिया, और पेस्ट तैयार करने के बाद में ये प्याज जो है, अपने प्याज को भी मैंने काट के छोटे छोटे रख दिए हैं। अब दूसरा, इसमें जब भी अपन फ्राई के लिए ये तैयारी करेंगे तब आगे आपको बता रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि अब ये उबल रही हैं, अब ये उबल भी गई है। अब अपन इसको नीचे उतारेंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे और उसके बाद में इसको साफ़ करते हैं। दोस्तों, अब इसको हम
उबाल कर ये नीचे उतार दिए हैं, और इसके बाद में हम इसको दूसरे बर्तन में ले रहे हैं और फिर इसको थोड़ी ठंडी कर रहे हैं। ये धीरे धीरे तो है दूसरे बर्तन में ले रहे हैं ताकि गर्म गर्म साफ ना हो सकेगी, तो इसको क्या है कि थोड़ा ठंडा होने के बाद में साफ करेंगे। ये सब जो है इस बर्तन तपेले से एक साइड में ले रहे हैं। ये एक साइड में ले लिए, इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए 5 मिनट के लिए रख देते हैं, फिर इसको साफ करते हैं, तो आपको वो भी बताएंगे। अब इसमें ठंडा पानी डाल दिया थोड़ा, ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाएगी, और इसके बाद में अपन इसको काट कर इसको साफ करते हैं, देखते हैं। अब इसको किस तरीके से साफ करना है वो आप देखें। ये इस तरीके से काटनी है, और इसके अंदर जो ये निकल रहा है, ये मैं आपको क्लोजअप बता रहा हूँ, ये बाहर निकालना है। ये इस तरीके से इसको बाहर निकालेंगे और उस तरह डाल देंगे इसको। इसी तरीके से इसको साफ करना है। ये आप देखेंगे बस सब इसी तरीके से साफ करनी है, ताकि ये साफ हो जाएगी। इस सबको साफ करेंगे इसी तरीके से, फिर आपको इसकी रेसिपी बनाते हुए दिखाएंगे। दोस्तों, हमने अब कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल गर्म होने तक हम देख रहे हैं, उसके बाद में इसमें प्याज डालेंगे। दोस्तों, अब ये तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम प्याज डालेंगे और उनको भूनेंगे। अब ये प्याज तेल के अंदर बिल्कुल गोल्डन कलर के हो जाएंगे, तब अपन इसमें मसाला डालेंगे। तो गाइस, अब अपने प्याज गोल्डन कलर के होने लग चुके हैं, अब इसमें मसाला डालते हैं। जो दही और मसाला अपन ने बनाया था उसको अपन ये मसाला ये मसाला डाल दिया है। अब इस मसाले को थोड़ा धीरे धीरे इसको पकाएंगे। अब ये मसाला धीरे धीरे पकेगा। तो दोस्तों, अब देखते हैं, अपना मसाला पक चुका है, और मसाला पकने के बाद में अब इसमें अपन जो है ये सब्जी डाल रहे हैं, जो अपन जंगलों से लेके आए थे। ये जो इसमें बिल्कुल डाल दी है अपन ने, बहुत स्वादिष्ट होती है दोस्तों ये जो सब्जी है। कई लोगों को इसको ये मालूम नहीं है, बनती तो ऐसे ही है, नॉर्मल है, लेकिन कई लोग पूछते भी है कि इसको कैसे बनाए कैसे बनाए। तो ये आप तरीका आप सीख लाओ और उसके बाद में आप बनाओ, बहुत अच्छी रहेगी। अब इसमें थोड़ा सा जो है गर्म मसाला टाइप का जो आता है, बादशाही मसाला वगैरह जो है वो डाला जाता है, जिससे ये अब दोस्तों देखें ये कैसी बने, और इसको आप देखेंगे
कि ये किस तरीके की बन रही है। बहुत अच्छी सब्ज़ी है, आप खाएंगे तो याद करेंगे। अब इसको हल्की आंच पर 5 मिनट पकने देंगे और पकने के बाद में अब देखें ये किस तरीके की एकदम सब्ज़ी जो है अपनी एकदम शानदार खाने को तैयार हो जाएगी। बस 2 मिनट तक इसको पकने दें और पकने के बाद में ये खाने के लिए आपको तैयार है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो आपकी इच्छा हो तो करना, नहीं तो मैं नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब करें।